नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान का आगाज होने जा रहा है। पीएम मोदी कल राज्य में पहली बड़ी रैली करेंगे और रुद्रपुर में पीएम मोदी की महारैली होगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि 2 अप्रैल को पीएम की जनसभा ऐतिहासिक होगी। देवभूमि को लेकर पीएम मोदी का असीम प्रेम है। वहीं पर सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड से धोखा किया है और उनके पास विकास की कोई नीति नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की सभी सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत होगी। वहीं सीएम धामी के अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रुद्रपुर में और पीएम की रैली की तैयारियों को देखा है। वहीं इस रैली से पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर भविष्यवाणी कर डाली है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तराखंड का जो विकास अभी हम लोगों ने शुरू किया है, जो विकास प्रस्तावित किया है, वो सारा विकास आगे बढ़ेगा। अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए अभी तो केवल चुनाव की बात होगी। चुनाव के बाद जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे राज्य का तेजी से विकास होगा। उत्तराखंड से उनका स्नेह है, क्या उत्तराखंड के लिए होना चाहिए, उनके हृदय में वास करता है, उनको क्यों सुझाव देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। खासतौर पर उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटनों को जो उन्होंने बढ़ावा दिया है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इस बार आप देखेंगे तो हमारा कुमाऊं के क्षेत्र में दूर दराज के हिमालयी क्षेत्रों को जो उन्होंने पर्यटक बढ़ाए, वो एक प्रकार बड़ा उनका कंसेप्ट रहता है। और देवभूमि के विकास में वो एक प्रकार से हम सबके अग्रज के रूप में, हम सबके मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। और उत्तराखंड में पीएम मोदी कल करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। रुद्रपुर में मेगा रैली होगी। तैयारी को अजवासा लेने पहुंची मुख्यमंत्री धामी और तीसरी बार पीएम बनने की भविष्यवाणी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की न्यूज 18 आपको बता रहा है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। बड़ी जनसभा करेंगे सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा। इसमें ब्लू बुक में जो सुरक्षा के निर्देश हैं वो आचार संहिता में भी लागू होती है। हम उसी जितने भी निर्देश हैं उन्हीं निर्देशों के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने ब्रीफिंग, रिहर्सल और डीब्रीफिंग करी है। हमारे फोर्स आ गए हैं, अधिकारी आ गई हैं और जितने भी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं हमने कर लिए। तो पीएम मोदी 2 अप्रैल को रुद्रपुर में एक बड़ी चुनावी जनसभा करेंगे और पीएम की रैली को लेकर पूरे तराई के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और पिछले गुरुवार को ही नानकमत्ता में डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस चौकसी दिखाती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर में होंगे तो टारगेट उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें होंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और वो चेहरा भी जिसकी बदौलत कई नेताओं का भाग्य बदला। ऐसे में जब रुद्रपुर से प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे तो हरिद्वार में प्रस्तावित अगली रैली तक कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। यही नहीं, इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जिन्हें पिथौरागढ़, विकासनगर और हरिद्वार में प्रचार करना है। तब भी कुछ बचा तो बाकी के स्टार काम पूरा कर देंगे, ये भरोसा बीजेपी को है। पहली बार में ही वो उत्तराखंड देवभूमि आ रहे हैं और हम उनकी भव्यतम सभा में कल रुद्रपुर में करने वाले हैं। अभी तक की ऐतिहासिक सभा होगी, उसी मैदान में होगी जिसको आज मोदी मैदान के नाम से जाना जाता है। और मुझे बताते खुशी है कि मेरी जानकारी में आया कि एक और सभा मोदी जी उनको प्राप्त होगी, उसका स्थान सोच रहे हैं, तय कर रहे हैं। बीजेपी कुछ भी करके जीत को बेताब है और कांग्रेस के हाथ खाली है, ना पैसा हाथ में है और ना पीएम मोदी के मुकाबले कोई बड़ा प्रचारक। ऐसे में कांग्रेस मोदी के मुकाबले के लिए कार्यकर्ताओं के मौखिक प्रचार के भरोसे है। प्रचार हमारे लगातार हमारे प्रभारी लोग काम कर रहे हैं, हमारे पूरा जो हमारी टीम है नीचे वर्कर्स की टीम है, वो लोग टोलियां बना के मोहल्लों में गांव में जा के प्रचार कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास साधन इस बार नहीं है तो मौखिक प्रचार ज्यादा है। चुनाव प्रचार के लिए अब 3 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में एक एक दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक
चुनाव का रुख बदलने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस अभी बड़े नेताओं के कार्यक्रम बनने का इंतजार ही कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और पीएम मोदी कल उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव की पहली रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। नैनीताल लोकसभा सीट पर हो रही इस रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर प्रत्याशी तक काफी उत्साहित है। जैसा आप देख सकते हैं, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और यहां तक है कि जनता भी मोदी जी के नाम पर जाने को आतुर है। मुझे लगता है कल बहुत भव्य रैली होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा पूरे शहर में, पूरे देश के अंदर काफी जोश महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में है। माननीय मोदी जी को तीसरी बार लोग प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। जब से माननीय मोदी जी की रैली का समाचार सुना है, मेरा खुद का फोन बंद नहीं हो रहा है। जगह जगह से लोग पूछ रहे कितने बजे आएंगे, कब आ रहे हैं और हमको कैसे होगा, हमें पास लेना है, हमारे हाथ मिला दो, हमको दर्शन करा दो। मतलब एक इतिहास रच दिया है मोदी जी ने। सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। आज मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ के नाचनी में चुनाव प्रचार किया। सीएम ने पदयात्रा की और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की है उन्होंने। और सीएम धामी की पदयात्रा में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। पदयात्रा के बाद सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने पहाड़ी में जनता को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा 19 अप्रैल के दिन पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच के और अपने मध्यप्रदेश पूरी दुनिया में आज विकास और हर क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, समृद्धि का क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दुनिया शिखर में पहुंच गया है। आज पूरा दुनिया में हिंदुस्तान लोग नाम ले बढ़ गई, पहचान ले बढ़ गए और हमारे जो पूछ ले बढ़ गए, जो पूछ को नाम है वो पूछ ले मोदी जी बनने के बाद पूरे देश में बढ़ गया, पूरी दुनिया में बढ़ गया। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प ले गए, अगले तो बढ़ रहे। आज हमारे देशों का नाम दुनिया में टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिकल साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में एक बहुत फुल हब बन रही है, यानी कि एक सेंटर जो पल्ली दुनिया फुल देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान, इन देशों के जो नाम हम जो पल्ली अब उन्हें दुनिया के दूसरे देश आज इन देशों के जो नाम से पसिल पसिल कर जा रही और हमारे देशों का नाम आज एक नंबर में होंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा जिले के दिघाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट की बीजेपी कैंडिडेट अजय टमटा के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने यहां केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। और सीएम धामी ने जनता से अपील की कि 19 अप्रैल को पीएम मोदी के हाथ मजबूत करें और अजय टमटा को भारी वोटों से जिताने की अपील भी की है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, इस बार कोई प्रश्न नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर पांचों सीटें लोकसभा की प्रचंड बहुमत से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोग भेज रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी का अभियान जारी है और आज अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। बलूनी देश के पहले सीडीए जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव सैंड गांव पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा को नमन कर उनके बलिदान को याद किया है। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनरल बिपिन रावत का अपमान किया है और उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बलूनी ने कहा कि कांग्रेस सेना पर भी सवाल उठाती रही है। उन्होंने कहा कि इस बार गढ़वाल की जनता कांग्रेस के इस अपमान का भरपूर जवाब देगी। अनिल बलूनी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का गांव तीर्थस्थल है और यहां की मिट्टी माथे पर लगाने लायक है। यहाँ पर आके जरूर हम लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है कि जब जनरल रावत के लिए अपशब्द कहे जाते थे, इस माटी के लाल के लिए जब
गली का गुंडा, कांग्रेस आला कमान ने कहा, कांग्रेस के लोग तरह तरह की गालियां दिया करते थे, उनके वीरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, उनके सैनिक के कौशल के ऊपर सवाल उठाते थे, हमें बड़ा दर्द होता था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस का, उत्तराखंड कांग्रेस का भी कोई भी नेता ऐसा नहीं था कि जिसने उस पर क्षमा मांगी हो, ये शर्म प्रकट की हो, या उन्होंने माफ़ी मांगी हो, या कांग्रेस से इस्तीफे देने की बात की हो। वो सारे के सारे लोग कांग्रेस के आला कमान के बयान के साथ थे। आज ये सारे लोग उत्तराखंड के अंदर 5 प्रत्याशी इनके वोट मांगने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सैनिक बहुल क्षेत्र है, यहाँ जरूर लोग सवाल करेंगे और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि उस वक्त क्यों नहीं साथ खड़े थे आला कमान के साथ, क्यों नहीं माफ़ी मांगी, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, जरूर सवाल पूछेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी अपने चुनाव प्रचार के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर पहुंचे। अनिल बलूनी ने योगी आदित्यनाथ की माताजी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और फिर उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ की मां ने अनिल बलूनी को बड़े अंतर के साथ जीत का आशीर्वाद भी दिया। गाँव है जहाँ हमारे योगी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो उनका गांव हमारी लोकसभा में आता है, तो निश्चित तौर पे हमको वोट के लिए, हम उनके घर परिवार के लोगों को भी, उनकी माताजी का आशीर्वाद लेने आए थे, और उन्होंने विजयी भव कह के हमको बुलाया कि चलिए बहुत बड़े अंतर का जीते आप लोग, भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, ऐसा आशीर्वाद उनकी माताजी ने हमको दिया है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे अनिल बलूनी जी, जिनका कहना है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनकी माताजी से उनका आशीर्वाद मिल चुका है और विजय भवा का आशीर्वाद मिला है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज 18, पंचूर गांव। पौड़ी लोकसभा सीट इस बार सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया मैदान में हैं, तो बीजेपी से पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी। राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के चुनावी मैदान में होने के चलते बीजेपी के लिए भी ये सीट नाक का सवाल बनी हुई है। पार्टी हाईकमान इस सीट पर बारीकी से निगाहें गड़ाए हुए है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से सबसे हॉट पौड़ी गढ़वाल सीट बनी है। इस सीट पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी चुनावी दंगल में हैं। लिहाजा बीजेपी हाईकमान भी सीट पर नजरें गड़ाए हुए है। बीजेपी सीट पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि 14 विधानसभाओं वाली सीट पर कांग्रेस का एक विधायक था, उसे भी बीजेपी तोड़कर अपने पाले में ले गई। पार्टी ने सभी विधायकों मंत्रियों को वोटिंग होने तक अपनी विधानसभा में बने रहने को कहा है। राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व के, मतलब मैं कह सकता हूं वो चहेते भी हैं, और उसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की एक प्रथम जो पंक्ति होती है उसमें शुमार हैं। तो निश्चित तौर पर वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीतें, और उसी के तहत जो है कि पार्टी। सूत्र की माने तो इस सीट पर विधायकों मंत्रियों के मूवमेंट पर पूरी नजर रखी जा रही है। विधायकों के साथ ही मंत्रियों की सभाओं और डोर टू डोर कैंपेन का भी हर दिन का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। देखिए, पार्टी संगठन ने हम सबको निर्देशित कर रखा है कि तमाम जो विधायक हैं और जो वरिष्ठ जन हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में रहें, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि विधायकों का परफॉर्मेंस में भी ये काउंट करेगा कि उनके क्षेत्र में वो कितना काम कर रहे हैं और क्या उनका परिणाम रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के मैदान में होने के कारण गढ़वाल संसदीय सीट पार्टी के नाक का सवाल बन गई है। इस सीट पर न सिर्फ कैंडिडेट पर चुनावी जंग जीतने का दबाव है, बल्कि 14 विधायकों पर भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की तलवार लटकी हुई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति गुनसोला ने चकराता विधानसभा के कालसी त्यूणी में प्रचार किया है। इस दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने भी जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। वहीं कांग्रेस जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं भी कर रही है। वहीं प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप है। जो
हम जब उनसे पूछते हैं कि महंगाई का कम करने का वादा क्या था, महंगाई कम नहीं हुई, तो वो उस पर कोई जवाब नहीं देते। हमने कहा बेरोजगारी को दूर करने का आपने वादा क्या था कि एक साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार देंगे, उस पर हम बात करते हैं तो कोई जवाब नहीं। से ज़्यादा पहले नंबर पर अव्वल नंबर पर जो है चक्रोता रहेगा, सबसे हाईएस्ट वोट चक्रोता का पड़ेगा। इन लोगों ने मेरे को भरोसा दिलाया और मंत्री जी गवाह है ना, मेरी गारंटी इन्होंने दी। और चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रचार अभियान में और ज्यादा तेजी शुरू हो गई है। रुड़की के भगवानपुर और झबरेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत और हरीश रावत ने रोड शो किया। दोनों नेता स्कूटी से ही निकले और लोगों से मिले। हरीश रावत ने कहा कि इस बार कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिल रहा है। वीरेंद्र रावत ने कहा कि इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और कांग्रेस के सभी प्रत्याशी उत्तराखंड से जीतने वाले हैं। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा उत्साह है, भरी दोपहरी में भी और सब जगह लोग खड़े मिले और आए। हमको उनके सारे आरोप स्वीकार है, वो सिर्फ जनता से अपना मेल रखें, प्यार रखें। ये अपार जनसमूह बता रहा है कि कांग्रेस की विजय हो चुकी है। आज पूरा देश जो है बदलाव की ओर देख रहा है और राहुल गांधी जी की ओर देख रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश में बदलाव होगा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सोमवार को कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे देहरादून पहुंची और पार्टी ऑफिस पहुंचकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। दीपिका पांडे ने वॉर रूम में पहुंचकर इंचार्ज और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार 500 सीटों पर उनकी जीत होगी और इस बार बीजेपी के उम्मीदवारों की बड़ी और करारी हार होगी। हरिद्वार के एक निजी अस्पताल में दबंगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को लाठी डंडों से पीटा है। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर बहादुराबाद थाने में केस दर्ज हो गया है और यह भी बताया जा रहा है कि बीती देर रात एक युवा के घायल युवती का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा और बिना ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के इलाज करने की जिद करने लग गया। जब अस्पताल के कर्मचारियों ने बिना रजिस्ट्रेशन के इलाज करने से मना कर दिया तो युवक भड़क गया और बाहर से अपने 4 साथियों को लेकर आ गया, जिसके बाद लाठी डंडों से लैस दबंगों ने अस्पताल में कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। बर्बरता की गई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दबंग कर्मचारियों को पीटते नजर आ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपको एक ओपीडी पेपर बनाना पड़ेगा तभी हम मैं ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। इतना सुनते ही वो लड़का बाहर गया और अपने 4 साथियों को बुलाया। ये 5 फिर मिलकर काफ़ी बुरी तरीके से डॉक्टर को, स्टाफ को, गार्ड को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा। डॉक्टर द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लड़के जो 4-5 लड़के आए थे जो इलाज करने के लिए आए थे, कुछ विवाद होने पर उनके द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। इसमें यह देखा गया कि जैसे सीसीटीवी में दिख भी रहा है कि डॉक्टर के साथ काफ़ी मारपीट की गई है और उसमें से एक लड़के को उसने चिन्हित भी कर लिया है जो आसपास के ही रहने वाला है। इस संबंध में FIR पुलिस ने कर ली है तथा इसकी जाँच की जा रही है। 18,000 फीट पर मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन अब सिर्फ 2 घंटे में ही हो सकेंगे। उत्तराखंड पर्यटन ने इसके लिए होली हेली सेवा शुरू कर दी है, जिससे कि MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से पल भर में दर्शन हो सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। चाइना बॉर्डर पर मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों की चाह हर किसी की होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता अभी भी काफी कठिन है। ऐसे में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने दोनों धार्मिक स्थलों के लिए हेली सर्विस शुरू कर दी है। 16 यात्रियों का पहला दल MI-17 हेली की मदद से सिर्फ 2 घंटों में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर लौट आया। देश के कई हिस्सों से आए सैलानियों को नैनी सैनी एयरपोर्ट से लिफ्ट कर 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। पहले दल में 9 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल रहीं। हम लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत देखने के लिए फर्स्ट राइड में गए थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इनकी तरफ से बहुत सारा अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। हम कल रात में पहुंचे
और आज सुबह ये आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन कर ले। दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ और MI-17 जो हेलीकॉप्टर था वो भी बहुत अच्छा था, उसका अंदर भी कंफर्टेबल बहुत है और दर्शन करके डिटेक्ट भी हुआ आदि कैलाश, हम चारों तरफ आराम से दर्शन किए जी। हम लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत की पूरी दर्शन करके आए, बहुत मज़ा आया। 2 घंटे की पूरी हेलीकॉप्टर राइड थी, बहुत मज़ा आया और पूरा ऐसा लग रहा है सारा हिमालय घूम के आए, बर्फ के बीचों बीच से पूरा हेलीकॉप्टर घूमा, बहुत मज़ा आया, ब्यूटीफुल। हफ्ते भर तक पर्यटन विभाग ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए वन डे पैकेज शुरू किया है, जिसके लिए एक यात्री को 42,000 रुपए खर्च करने होंगे। वन डे पैकेज के बाद 10 अप्रैल से 10 मई तक 5 दिन और 4 रात का पैकेज शुरू होगा। इस पैकेज के लिए एक यात्री को 1,00,000 का किराया देना होगा। दूसरे पैकेज में यात्रियों को गुंजी और उसके आसपास होम स्टे में ठहराया जाएगा। इस पैकेज में काला पानी और नाभी ढांग भी शामिल है। यही नहीं, यात्रियों को ओल्ड लिपू लेक से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन भी कराए जाएंगे। ये एक वन डे पैकेज उत्तराखंड टूरिज्म ने जो है ऑर्गेनाइज कर रखा है। इसमें यात्री जो है पिथौरागढ़ से इनको हम आदि कैलाश और ओम पर्वत का जो है एरियल दर्शन करवाएंगे। वर्तमान में आज इसमें 16 यात्री आए हैं, जिसमें से 7 महिलाएं हैं और 9 पुरुष हैं। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन सिर्फ गर्मियों में ही संभव है। ऐसे में अब हेलीकॉप्टर की मदद से साल भर इन इलाकों को गुलजार किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर मिल रही है। बांदा जेल अधीक्षक को मारने की धमकी मिली है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को फोन पर धमकी भरा फोन आया है। बांदा जेल में बंद था माफिया मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत हो गई है, जिसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हालांकि अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी है और अज्ञात के खिलाफ क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये 28-29 मार्च की रात को 1:30 बजे के बाद ये फोन आया है। वीरेश राज शर्मा बांदा के जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, उनके CUG नंबर, जो उनका सरकारी मोबाइल है, उस पर आई है। एक लैंडलाइन का नंबर बताया जा रहा है, जिसका 0-35 से कोड शुरू होता है। और ये कहा गया है कि तुझको मैं ठोंक दूंगा, गालियां बकी गई उनको, तो लिहाजा उन्होंने FIR दर्ज करा दी है। और सर्विलांस सेल को भी इसमें लगा दिया गया है, क्राइम ब्रांच को भी बांदा की लगा दिया गया है, ये जानने के लिए कि कोई बड़ी साजिश है, किसी ने शरारत की है, आखिर क्यों जेल सुपरिंटेंडेंट को इस तरह से धमकाया गया है, वो भी तब जब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बांदा जेल अधीक्षक को मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल अधीक्षक वीरेश राज वर्मा को धमकी भरा फोन आया। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था, हालांकि अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुका है, जिसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी जेल में। और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक अज्ञात फोन आता है और बांदा जेल अधीक्षक को मारने की धमकी दी जाती है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को यह फोन आया, जिसमें जान से मार देने की धमकी दी गई है। और ये उसी जेल के अधीक्षक है जहां माफिया मुख्तार अंसारी बंद था। हालांकि अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। तो बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, जिस अज्ञात ने बांदा जेल अधीक्षक को धमकी भरा फोन किया, जान से मार देने की धमकी दी है जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए, इस खबर पर क्या अपडेट है ऋषभ? देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि FIR दर्ज कर ली गई है, सुपरिंटेंडेंट वीरेश राज शर्मा की ओर से FIR दर्ज कराई गई है। और बांदा पुलिस, बांदा की जो सर्विलांस सेल है, क्राइम ब्रांच है, वो सभी इस खुलासे में लग गए हैं कि आखिरकार ये फोन किसने किया था। रात को 1:37 पे करीब ये फोन कॉल की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है वीरेश राज शर्मा को। अभी हाल ही में वहाँ वो
पहुंचे हैं। और चूंकि मुख्तार अंसारी की जेल में हालत बिगड़ी थी, उनको हार्ट अटैक पड़ा था, फिर इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, तो इस धमकी को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और चार टीमें, क्या किसी तरह से इस अज्ञात के लोकेशन को ट्रेस किया जा सका है, कुछ पता लग पाया फोन कहां से आया था? देखिए सर्विलांस सेल उसमें लगी हुई है, अभी ये भी देखना होगा कि ये कहीं से कॉल डाइवर्ट करवा के गई है या कहीं ये वीओआईपी कॉल तो नहीं है जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो सर्विलांस सेल, क्राइम ब्रांच सब इसमें लगी हुई है, चार टीमें बना दी गए हैं एसपी बांदा ने, और उनका कहना है जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है, क्योंकि लगातार जो मुख्तार के समर्थक रहे चाहे परिजन रहे स्लो पॉइजन देने का भी आरोप लगाते रहे, क्या इस एंगल से जोड़ के भी देखा जा रहा है कि उस अज्ञात का गुस्सा इस तरफ होगा और इसी को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई होगी? देखिए खुद मुख्तार की ओर से भी कोर्ट में अर्जी दी गई थी और उनके परिजनों ने भी इस तरह का आरोप लगाया है कि ये मुख्तार उनसे मेल मुलाकात में फोन पे भी ये बात कहता था कि उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसको जेल में मारने की साजिश रची जा रही है और उसको हार्ट अटैक पड़ता है, इलाज के दौरान उसकी मौत होती है। उसके बाद भी मैं खुद गया था गाजीपुर रिपोर्टिंग करने, बांदा भी मैं गया था, तो वहाँ भी गाजीपुर में देखा है उसके समर्थकों का गुस्सा है और वो तमाम लोग हैं ऐसे उस इलाके के रहने वाले जो बात मानते हैं कि साजिश रच के स्लो पॉइजन दे के मुख्तार अंसारी को मारा गया है। तो तमाम लोगों का गुस्सा जरूर है, लेकिन इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, मजिस्ट्रियल। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए ऋषभ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे, जहां पर बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी जब था तो अज्ञात के खिलाफ हालांकि जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी दी गई। हर खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।